जानिए कौन है काजल निषाद, गोरखपुर से बनाया प्रत्याशी, क्या कहा काजल निषाद ने। उत्तर प्रदेश की सीएम सिटी गोरखपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर दांव खेला है। देर शाम पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक पूरे सियासी गलियारों में काजल के नाम को लेकर चर्चा गरमाई हुई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सपा ने सामान्य सीट होने के बाद भी पिछड़ी जाति पर दाव लगाया है। आखिर कुछ तो रीजन होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि आखिर काजल निषाद कौन है। तो चलिए बताते हैं आपको काजल निषाद के बारे में। पहले आपको बता दें कि इस मामले में जानकारों का कहना है कि सपा ने जो समीकरण साधने की कोशिश की है वो ये है कि परंपरागत वोट मिलने के साथ ही पिछड़ी जाति के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। काजल निषाद के आने से निषाद समुदाय का वोट बढ़ सकता है। तो वहीं काजल निषाद भोजपुरी एक्ट्रेस हैं जिनको मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। काजल पिछले काफी समय से राजनीति में एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने सीएम योगी के गढ़ में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को अपना मेयर प्रत्याशी बनाकर उतारा है। काजल निषाद गोरखपुर के भोवापार की रहने वाली हैं। इनके पति संजय निषाद फिल्म निर्माता हैं। काजल 2 बार सपा की टिकट पर कैंपियरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि दोनों बार उन्हें हार मिली। इससे पूर्व वह 2012 में कांग्रेस के टिकट पर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं और 2021 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। काजल निषाद भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस हैं। उन्होंने मशहूर सीरियल लापता गंज में भी काम किया है। एक्टिंग के साथ साथ वो सक्रिय राजनीति से भी जुड़ी हैं। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पिछले महीने जब गोरखपुर के दौरे पर थे तब वो काजल निषाद के घर पहुंचे थे और तभी से ये आशंका जताई जाने लगी कि सपा उन्हें गोरखपुर से मेयर सीट पर उतार सकती है। खुद पार्टी के कई नेताओं को काजल के उम्मीदवार बनने से झटका लगा है। सीट सामान्य होने की वजह से सभी की उम्मीद थी कि उम्मीदवार भी सामान्य वर्ग का ही होगा, मगर जातिगत गणित में फिट बैठने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने काजल पर दांव खेला। तो वहीं काजल निषाद ने ट्वीट कर प्रत्याशी घोषित किए जाने पर समस्त निषाद समाज की तरफ से अखिलेश यादव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। काजल निषाद ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मैंने मेयर पद के लिए आवेदन नहीं किया था, ये पूरी तरह से पार्टी हाईकमान का फैसला है जिसका मैं स्वागत करती हूँ। पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर खरा उतरने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी। गोरखपुर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।